कहानी का शीर्षक कछुआ धर्म। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। वाचक अमित पांडे। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो, वहां पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। यह हिंदुओं के या हिंदुस्तानी सभ्यता के कछुआ धर्म का आदर्श है। ध्यान रहे कि मनु महाराज ने न सुनने जोग गुरु की कलंक कथा के सुनने के पाप से बचने को दो ही उपाय बताए हैं, या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय, जो और देशों के 100 में 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर पहले सूझेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि फिर ऐसी हरकत न करे। यह हमारी सभ्यता के भाव के विरुद्ध है। कछुआ ढाल में घुस जाता है, आगे बढ़कर मार नहीं सकता। अश्वघोष महाकवि ने बुद्ध के साथ साथ चले जाते हुए साधु पुरुषों को यह उपमा दी है। देशा दनार्य रभि भूय मानान महर्षयो धर्ममी वाप यांतम। अनार्य लोग देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, धर्म भागा जा रहा है, महर्षि भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यह कर लेंगे कि दक्षिण के अप्रकाश देश को कोई अत्रि या अगस्त्य यज्ञों और वेदों के योग्य बना लें, तब तक ही जब तक कि दूसरे कोई राक्षस या अनार्य उसे भी रहने के अयोग्य न कर दें। पर यह नहीं कि डटकर सामने खड़े हो जावें और अनार्यों की बाढ़ को रोकें। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे, आर्य सप्त सिंधुओं को आर्यावर्त बनाना चाहते थे, आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्नि और यजपत्र और अरण्य रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई। उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को घर से आंच दिया। उखल मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए यह कारवां मूजवत हिंदुकुश के एकमात्र दर्रे खैबर में होकर सिंधु की घाटी में उतरा। पीछे से श्वान भ्राज अंभारी बंभारी हस्त सुहस्त कृष्ण शंड मर्क मारते चले आते थे। वज्र की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर 3 लंबी डग भरने वाले विष्णु ने पीछे फिर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने भ्रातृव्यों के पास छोड़ आए और यहाँ भ्रातृव्यस्य वधाय सजातानम मध्यमेष्ठ्याय देवताओं को आहुति देने लगे। चलो जम गए। जहाँ जहाँ रास्ते में टिके थे वहाँ वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगें, पर ईरान के अंगूरों और गुलों का यानी मूजबत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिलकौआ नगद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौएं थी, जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं, वैसे तब शतगु सहस्रगु कहलाते थे। ये दमड़ी मल के पोते करोड़ी चंद अपने नवगुआह दशगुआह पितरों से शर्माते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसी कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़िनों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेच दो, वह कहता कि वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुड़ बखानते, जैसे बुढ़े चौबे जी ने अपने कंधे पर चढ़ी बाल वधू के लिए कहा था कि याही मैं बेटी और याही मैं बेटा।
ऐसे ये भी कहते कि इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है, पर काबुली काहे को मानता। उसके पास सोम की मनोपाली थी और इन्हें बिना लिए सरता नहीं। अंत को गौ का एक पाद अर्ध होते होते दाम तय हो जाते। भूरी आँखों वाली एक बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते, गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते। जैसे मुसलमानों के यहाँ सूद लेना तो हराम है, पर हिंदी साहूकारों को सूद देना हराम होने पर भी देना ही पड़ता है, वैसे यह फतवा दिया गया कि पापो ही सोम विक्रयी, पर सोम क्रय करना, उन्हीं गंधर्वों के हाथ गौ बेचकर सोम लेना पाप नहीं कहला सका। तो भी सोम मिलने में कठिनाई होने लगी। गंधर्वों ने दाम बढ़ा दिए या सफ़र दूर का हो गया या रास्ते में डाके मारने वाले वाहिक आबसे, कुछ न कुछ हुआ। तब यह तो हो गया कि सोम के बदले में पूतिक लकड़ी का ही रस निचोड़ लिया जाए। पर यह किसी को न सूझी कि सब प्रकार के जलवायु की इस उर्वरा भूमि में कहीं सोम की खेती कर ली जाए, जिससे जितना चाहे उतना सोम घर बैठे मिले। उपमन्यु को उसकी माँ ने और अश्वत्थामा को उसके बाप ने जैसे जल में आटा घोलकर दूध कहकर पतिया लिया था, वैसे पूतिक की सीखों से देवता पतियाए जाने लगे। अच्छा, अब उसी पंचनद में वाहिक आकर बसे। अश्वघोष की फड़कती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। अब ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश और आर्यावर्त की महिमा हो गई और वह पुराना देश न तत्र दिवसम वसेत युगंधरे पयः पीत्वा कथम स्वर्गम गमिष्यति। बहुत पीछे वर्ष की बात है, समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लूटते मारते तो सही, बेधर्म भी कर देते। बस समुद्र यात्रा बंद। कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रायश्चित कराकर भी संग्रह बंद। वही कछुआ धर्म, ढाल के अंदर बैठे रहो। पुर्तगाली यहाँ व्यापार करने आए, अपना धर्म फैलाने की भी सूझी। विव्रत जगनाम को विहातुम समर्थ। कुएं पर सैकड़ों नर नारी पानी भर रहे और नहा रहे थे। एक पादरी ने कह दिया कि मैंने इसमें तुम्हारा अभक्ष्य डाल दिया है। फिर क्या था, कछुए को ढाल बल उलट दिया गया। अब वह चल नहीं सकता। किसी ने यह नहीं सोचा कि अज्ञात पाप पाप नहीं होता। किसी ने यह नहीं सोचा कि कुल्ले कर लें, घड़े फोड़ दें या कह ही कर डालें। गांव के गांव ईसाई हो गए और दूर दूर के गांव के कछुओं को यह खबर लगी तो बंबई जाने में भी प्रायश्चित कर दिया गया। हिंदू से कह दीजिए कि विलायती खांड खाने में अधर्म है, उसमें अभक्ष्य चीज़ें पड़ती हैं। चाहे आप वस्तुगति से कहें, चाहे राजनैतिक चालबाजी से कहें, चाहे अपने देश की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए उसकी सहानुभूति उपजाने को कहें, उसका उत्तर यह नहीं होगा कि राजनैतिक दशा सुधरनी चाहिए। उसका उत्तर यह नहीं होगा कि गन्ने की खेती बढ़े। उसका केवल एक ही कछुआ उत्तर होगा। वह खांड खाना छोड़ देगा, बनी बनी मिठाई गऊओं को डाल देगा या बोरियां गंगा जी में बहा देगा। कुछ दिन पीछे कहिए कि देसी खांड के बेचने वाले भी सफ़ेद बूरा बनाने के लिए वही उपाय करते हैं, वह मैली खांड खाने लगेगा। कुछ दिन ठहर कर कहिए कि सस्ती जावा या मोरस की खांड मैली करके बिक रही है, वह गुड़ पर उतर आवेगा। फिर कहिए कि गुड़ के शीरे में भी सस्ती मोरस की मैल का मेल है, वह गुड़ छोड़कर पितरों की तरह शहद खाने लगेगा या मीठा ही खाना छोड़ देगा। वह सिर निकालकर यह न देखेगा कि 7 शेर की खांड छोड़कर 1.5 शेर की कब तक खाई जाएगी। यह न सोचेगा कि बिना मीठे कब तक रहा जाएगा। यह नहीं देखेगा कि उसकी सी मति वाले शरबत न पीने वालों की संख्या घटती घटती दहाइयों और इकाइयों पर आ जा रही है। वह यह नहीं विचारेगा
कि बन्नू से कलकत्ते तक डाक गाड़ी में यात्रा करने वाला जून के महीने में झुलसते हुए कंठ को बर्फ से ठंडा बिना किए नहीं रह सकता। उसका कछुआपन कछुआ भगवान की तरह पीठ पर मंदराचल की मथनी चलाकर समुद्र से नए नए रत्न निकालने के लिए नहीं है। उसका कछुआपन ढाल के भीतर और भी सिकुड़कर घुस जाने के लिए है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है, अपनी अपनी समझ है। संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे, उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। दृष्ट उपाय हुए, उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए आनुश्राविक उपाय किए, उनसे भी मन न भरा। सांख्यों ने काट कड़ी गिन गिन कर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में पककर उपाय खोजा। किसी ने कहा कि बहस, बकझक, बाक्छल, बोली की चूक पकड़ने और कच्ची दलीलों की सीवन उधेड़ने में ही परम पुरुषार्थ है। यही शगल सही, किसी न किसी तरह कोई न कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की माँ को ही न मारें, न रहे बांस न बजे बांसुरी। यह जीवन ही तो सारे दुखों की जड़ है, लगी प्रार्थनाएं होने। माँ देहि राम जननी जठरे निवासम, ज्ञात्वेत्वम न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेर्भकत्वम जना। और यह उस देश में जहाँ की सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का यह कहते रालू सूखता था कि 100 बरस इसे हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस से भी अधिक। भला जिस देश में बरस में 2 ही महीने घूम फिर सकते हों और समुद्र की मछलियां मारकर नमक लगाकर सुखाकर रखना पड़े कि 10 महीने के शीत और अंधियारे में क्या खाएंगे, वहां जीवन में इतनी ग्लानी हो तो समझ में आ सकती है। पर जहां राम के राज में अकृष्ट पचिया पृथ्वी, पुटके पुटके मधु, बिना खेती के फसलें पक जाएं और पत्ते पत्ते में शहद मिले, वहां इतना वैराग्य क्यों? है ग्रीव या हिरण्याक्ष, दोनों में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे। कवि कहता है, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिराब दवत्युपश्रुत्य यदृच्छ्यापि यम ससम भ्रमेन्द्र द्रुत पाति तार्गला निमीलिताक्षी वभियामरावती। महाशय यों ही मौत से घूमने निकले हैं, सुरपुर में अफवाह पहुंची, बस इंद्र ने झटपट किवाड़ बंद कर दिए, आगल डाल दी, मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। यह कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का पीछा कीजिए तो वह बालू में सिर छिपा लेता है, समझता है कि मेरी आंखों से पीछा करने वाला नहीं दिखता तो उसे मैं भी नहीं दिखता। लंबा चौड़ा शरीर चाहे बाहर रहे, आंखें और सिर तो छिपा लिया। कछुए ने हाथ पांव सिर भीतर डाल लिया। इस लड़ाई में कम से कम 5 लाख हिंदू आगे पीछे समुद्र पर जा आए हैं, पर आज कोई पढ़ने के लिए विलायत जाने लगे तो हनोज रोज अव्वल अस्त। अभी पहला ही दिन है, सिर रेत में छिपा है। कहानी का शीर्षक कछुआ धर्म। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। वाचक अमित पांडे।